हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम देखने जा रहे हैं नेविगेशन बार यूजिंग रिएक्ट राउटर जी हाँ गाइस तो ये जो पार्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है आपकी आंखों के सामने इसको आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार आपने इसे बहुत ने इसको हेडर या मेन्यू बार सोचा होगा जो भी आप कह लो बट ये जो आपको टॉप में लाइक इस तरीके से आपका एक लोगो एंड देन वी हैव अ लिंक्स जिस पे आप क्लिक करते हो तो उस पर्टिकुलर जो पेजेस है वहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाते हो तो ये कंप्लीट आज इस वीडियो में मैं क्रिएट करने वाला हूँ एंड ब्यूटी क्या है जब आप रिएक्ट में इस तरीके से हेडर बनाते हो क्योंकि लाइक आई हैव माई थापा टेक्निकल डॉट शॉप अगेन ये भी हमने रिएक्ट में ही बनाया तो ब्यूटी ये है कि जब भी हम किसी भी पेज पे क्लिक करते चाहे मेरा सोर्स कोड सिर्फ टू फोर्टी नाइन रूपीज में सारे यूट्यूब वीडियोस के ठीक है तो आप देख सकते हो कभी भी हमारा ये पेज ना रिफ्रेश नहीं होता है बट वहीं जो मैंने ई e कॉम बनाया था मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट ये जो बेसिकली अपना ये वाला वीडियो है आप देख सकते हो ओ भाई हो ये जो पार्ट वाला दिख रहा है e ई कॉमर्स वेबसाइट पाँच घंटे लगा के मैंने बनाई थी बहुत बेस्ट है इसमें मैंने जो वेबसाइट बनाया था उसी का ही मैं रेप्लिका यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ रिएक्ट राउटर की मदद से अब डिफरेंसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ पहली बात तो यह है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखना ये जो पर्टिकुलर पोर्सन दिख रहा है इस जगह पे ये ना ये जो ये ना रिफ्रेश होता है ये गोल गोल घूमता है बट अब से सिद्धों ने नोटिस किया होगा मेरा पूरा पेज रिफ्रेश हुआ समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हेडर जो था ये हेडर ये पूरे पेज वापस से नए मेरे यहाँ पे पुराने हट के नए आ गए ये ऐसा हुआ बट जब आप रिएक्ट में क्रिएट करते हो जस्ट ध्यान से देखना लेट्स से मैं अबाउट पे पर क्लिक करता हूं ये देखो आपने नोटिस की कि मेरा हैडर अपनी जगह पे ही है फूटर ऑलवेज अपनी जगह पे है कभी हमारा ये जो पेज है वो कभी भी रिफ्रेश नहीं होता जस्ट ये जो बीच में जो कंटेंट है क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ऐप लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे देखो ऐप लेआउट ऐप लेआउट में हमने सारा सेटअप तो कर ही लिया तो अब होता ये है रिएक्ट राउटर में कि सिर्फ और सिर्फ बीच का जो डेटा है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है रेस्ट सब कुछ अपनी जगह पे ही है हम किसी को हटा बटा नहीं रहे यहाँ पे ठीक है एंड कभी भी पेज रिफ्रेश नहीं होता है एंड दिस इज द रीज़न वाई हम रिएक्ट को बोलते सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब सिर्फ एक ही पेज है रिएक्ट में बाकी सब कंपोनेंट है जो लाइक एक के बदले दूसरे जस्ट आ जा रहे हैं बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा समझ गए ना वन मोर टाइम इस पर अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं तो अबाउट अलग सा पेज होम क्लिक कर रहा हूँ तो रिफ्रेश होकर होम का पेज आता है प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो प्रोडक्ट का पेज ऐस ऐसे ऐसे करके अगर एड टू कार्ड कर देता हूँ कार्ड पे जाता हूँ तो कार्ड का एक अलग पेज बट अगर आप रिएक्ट में देखोगे तो कहीं कुछ भी जाओ कुछ भी कर लो आप समझ रहे हो कभी भी पेज आपका रिफ्रेश नहीं होता ये ऑलवेज एज इट इज इसलिए हम रिएक्ट को सिंगल पेज बोलते हैं तो इसी को ही अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि पेज रिफ्रेश ना हो सब एकदम बेस्ट हो तो वो हम क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर इन आवर रिएक्ट जीएस ठीक है ऑल राइट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा 404 जीरो फोर एर पेज कैसे आता है बट फिलहाल आज हमें इस पार्ट को क्रिएट करना है फूटर आप सोच रहे हो तो फूटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है फुटर में तो कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल एस्टेमल सेसेस का ही पार्ट पड़ा हुआ है हाँ बट ये जो पर्टिकुलर लिंक्स है इस पर मैं आपको बताऊँगा क्या आप कर सकते हो ठीक है तो आज इस वीडियो में एक चीज़ आपको सीखने मिलने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ नथिंग बट योर नैब लिंक कंपोनेंट कैसे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मैं मेरे जो कोड है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरा ये जो रिएक्ट आई मीन ये जो मेरा जावास्क्रिप्ट का ई कॉमर्स वेबसाइट है इसको आपने चेकआउट किया होगा क्योंकि उसी का ही रेप्लिका मैं बना रहा हूं वही है ये देखो ना वही तो है तो इसी का ही सोर्स कोड को मैं कॉपी एंड पेस्ट करने जा रहा हूं एंड कहां करूंगा कंपोनेंट पे ठीक है एंड मैं एक बार ऐप लेआउट भी दिखा देता तो हूं आप लोगों को देखो हेडर फुटर आर ऑलवे सेम वी हैव दिस आउटलेट जो कि पैरेंट कंपोनेंट के चिल्ड्रन को वन बाय वन रेंडर कर रहा है जब भी हम उस पर्टिकुलर रूट को हिट करेंगे तो मैं हेडर पे जा रहा हूँ तो जो मेरा हेडर अब ऐसा दिख रहा है बोम गाइस या गाइस आप देख सकते हो कि हमने हमारा पूरा कंप्लीट लुक ओवर चेंज कर दिया कुछ भी नहीं है कुछ भी फैंसी नहीं ये पूरा का पूरा आप एस्टेमल बोलो जैसे भी मत बोलो धोखा मत दो अपने आप को जैसे बोल के ये पूरा का पूरा एस्टेमल है मैंने ये वाले वीडियो में जो बनाया था उसी को जस्ट पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपका दिया ठीक है अब आपके माइंड में आ रहा होगा तो फिर फायदा क्या है रिएक्ट पढ़ने का जब वही एस्टेमल से जा चिपका रहे हम लोग तो ऐसा नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ दो मैंने ये पास्ट किया आई मीन एड तो कर ही दिया हूँ मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा कुछ है क्या यहाँ पे ऑल ठीक है ठीक है कुछ भी नहीं अब मैं इसको रन कर देता हूँ npm run and then dev ठीक है एंड डोंट वरी सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बट मैं रिकमेंड करता हूँ प्लीज़ वो ई e कॉमर्स वाला वेबसाइट देखिए बहुत मेहनत की थी मैंने उसमें ठीक है अगर आप देखोगे नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरा मेहनत वेस्ट जा रहा है सच बोलूँ तो ठीक है क्योंकि नहीं मिलेगा यार इतना ऑसम वीडियो तो आ, इसको मैं रन करता हूँ ये सेवेंटी फोर पर रन कर रहा है और लेट्स सो दिस इज़ आवर अबाउट पेज एंड कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक है ऑल एट गैस आपको वो ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सी एस एस एड नहीं की है मैं एक काम करता हूँ मैं मेरे कोड uh, पे चलता हूँ वापस बैक टू माई वी एस कोड एडिटो यर वी हैव दिस ऐप डॉट सी एस एस ठीक है यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ तो अगेन यहाँ पे मैंने कौन से सी एस एस वही मेरी ई e कॉमर्स का जो सी एस एस था कॉपी पेस्ट कर दी एंड अब मैं अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ सो थ्री टू वन एंड ओ माई गॉड वो बोलने वाला था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं पहाड़ वाला काम बट इट डजेंट मैटर लेट चेक इट आउट है ना मैं चलता हूँ वापस मेरे मेन ऐप डॉट जे सिक्स फाइल पे यहाँ पर मैं इम्पोर्ट करना चाहूँगा हमारा ये जो ऐप है डॉट सी एस एस डोंट वरी सी एस एस का कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो एंड ऑसम ऑसम सी कितना ब्यूटिफुल अभी दिखाई दे रहा है right? राइट मेरा काम हो गया अब एक चीज नोटिस करना अब नोटिस करना मैं अगर अबॉर्ड पर क्लिक करता हूँ देखा क्या हुआ अब नोटिस करो ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है ये देखो थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जा रहा है क्यों क्योंकि अगर आप रिएक्ट में नॉर्मल एस्टेमल से, से जॉस्क्रिप्ट की मदद मतलब से इसको क्रिएट करते हो तो वो नॉर्मल चलता है बट फायदा क्या है वह फिर ये तो लाइक रिफ्रेश हो ही रहा आपका पेज पूरा का पूरा ये देखो ना ये रोटेट भी होता है यहाँ पे तो देखो क्या करते हैं इसको बचाने के लिए वी हैव अ नेबलिंग कंपोनेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम awesome है आप में से बहुतों ने शायद सिर्फ लिंक कंपोनेंट भी देखा होगा ठीक है बट ठीक है लाइक बट आई रिकमेंड आई गेस नेबलिंग ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिलती है और मज़ा आ जाता है ठीक है ऑल राइट तो नेविगेशन uh, का लिंक आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कल के दिन हम एक्टिव क्लासेस देखेंगे और मज़ा आएगा ये जो नेबलिंग कंपोनेंट है ये भी एक काइंड ऑफ लिंक ही है एंड ब्यूटी ये नहीं इसको मालूम है कि कब वो एक्टिव हो रहा है या नहीं क्या वो पेंडिंग में है यानी या ट्रांजिशन स्टेट पे है या नहीं तो वो सारी चीज़ें ना इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही भरी हुई है तो इतना इजी हो जाएगा ना एक्टिव लिंक बनाने के लिए जो कि मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा बट फिलहाल अभी अब आप आपको क्या करना है देखो व्हाट वी नीड टू डू कि जितने भी ये एंकर टैग है ऑब्बियसली हमारे एस्टेम में एंकर टैग पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट का, का काम होता है तो रिएक्ट राउटर में एंकर टैग का अल्टरनेटिव है आपका नैब लिंक तो जहाँ जहाँ ये आपका एंकर टैग है मैंने कंट्रोल डी करके सबको सेलेक्ट की मैं इस तरीके से नैब एंड दैन लिंक पे मैं एंटर हिट करूँगा एंड ये टॉप पे जाके आप देखना ये इंपोर्ट भी हो गया होगा इस तरीके से ठीक है ये इंपोर्ट भी हो गया परफेक्ट ऑल राइट ना अब जब आप नैब लिंक यूज़ करते हो तो नैब लिंक के भी अपने कुछ प्रॉप्स है जिसको आपको यूज़ करना जरूरी है जिसको आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो ताकि ये परफेक्टली वर्क करे लाइक फॉर एंकर टैग लाइक हमें ये हाइपर रेफरेंस या हेडर रेफरेंस हमें देना पड़ता था बट अब जहाँ जहाँ ये एच रेफ है ठीक है इन सबको मैंने अगेन कंट्रोल डी करके सबको सेलेक्ट किया मैं इनको हटा रहा हूँ नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ एच रेफ वी नीड टू राइट टू नैब लिंक टू मतलब अगर कोई इस पर क्लिक करे तो कहाँ उनको रीडायरेक्ट करना है लाइक like, आप लेटर लिखते हो फ्रॉम थापा टेक्निकल टू माई सब्सक्राइबर्स टू माई व्यूअर्स टू लिखते हैं ना मतलब किसके लिए मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से नैब एंड देन टू खत्म बस इतना ही है कोई भी एस्टेमल सेसेस का आप नेविगेशन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो ऑनलाइन से आपको जो भी पसंद आता है एंकर टैग को नैबलिंग uh, से कम आप लाइक like, रिप्लेस कर दीजिएगा एच रैप को आप टू से रिप्लेस कर दीजिएगा एंड आपका काम खत्म बस इतना ही आपको करना था uh, एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ है ये जो स्पेलिंग है नैबलिंग ठीक है ठीक है जहाँ जहाँ ये नेबलिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है इट शुड बी कैपिटल हाँ ये आप लाइक ये पासकल कैसे आएगी जहाँ पे बोथ कैपिटल uh, में ही है ऑलरेट right, मेरा काम खत्म बस अगर आप इतना करते हो एंड अगर आप यहाँ पे चलते हो ध्यान से देखना जो थोड़ी देर पहले ऊपर जम खाता था अपनी खाएगा ये देखो कुछ नहीं अबाउट पेज मेरा मूवी पेज मेरा कॉन्टैक्ट पेज मेरा होम पेज अबाउट पेज मूवीज पेज कॉन्टैक्ट पेज उसी तरीके से आई हैव माई फूटो फूटर को करता हूँ कॉपी दो आई नो इट्स अ नेविगेशन बार बट मैं नहीं चाहता फूटर के लिए एक अलग सा वीडियो बनाओ आपका टाइम वेस्ट करूँ उसमें अरे क्योंकि वो तो जस्ट अगेन कॉपी पेस्ट है एंड आपको पता चल गया राइट सो लेट्स को बिथ और फूटो हटाओ पेस्ट कर दो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ यहाँ पे आता हूँ ये देखो होम अबाउट मूवीज कॉन्टैक्ट वाओ लाइक विद इन अ फोर डेज ऑफ रिएक्ट राउटर हमारा जो सीरीज का वीडियो में ही हमने इतना प्यारा एक नेविगेशन एंड इतना ऑसम awesome हमारा ये फूटर भी बन के रेडी एंड ब्यूटी तो ये है कि पेज कभी रिफ्रेश नहीं हो रहा है एंड ऑलवेज़ ये एकदम टॉप पे ऑलवेज फिक्स्ड है डेटा खाली बीच का चेंज हो रहा है मतलब एक हम बहुत ऊपर आ गए यार ये जो छोटी छोटी चीज़ होता है ना क्या इसको आपको यू नो इसी को ही तो सेलिब्रेट करना है अब लाइक अरे उन्होंने तो इतना बड़ा खतरा कुछ वेबसाइट बना दिया अरे बनाया भाई बहुत मेहनत भी तो की ना उन्होंने बट हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे तो जस्ट इंजॉय कीजिए इस मोमेंट को आप फील कीजिए कि वाह यार इतना ब्यूटीफुल हमने बना लिया ठीक है अब ये जो ब्यूटीफुल में रिएक्ट का कुछ भी हाथ नहीं था सिर्फ था तो आपका नैब लिंक एंड देन टू खत्म बाकी पूरा का पूरा आपका ये था एस्टेमल सी एसस का जादू डेट्स वॉय एस्टेमल सी एस एस बच्चा लोग बोलते हैं कि ये तो बच्चों का है बट यही बच्चे बड़े बड़े कर नहीं पाते भाई समझ रहे हो नहीं कर पाते वो लोग उनको दो कोई अच्छा डिजाइन नहीं कर पाएंगे वो लोग तो इसलिए गाइस एस्टेमल सीसेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड डैट्स वाई आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट एसटेमल एंड सी एस एस कोर्स ऑलरेडी बना चुका हूँ मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी ने सी एस एस इतना सत्रह घंटे का बनाया होगा इसको आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड एसटेमल छः घंटा साढ़े पाँच घंटे का इससे ज़्यादा आपको नीड भी नहीं है एस्टेमल का स्टार्ट टेलेंट सब कुछ है सी एस एस सब कुछ है जावास्क्रिप्ट सब कुछ है जरूर चेकआउट कीजिएगा अब कल की वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसमें एक्टिव लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो क्या होता है उसका मतलब इसका मतलब ये फिलहाल मैं अपने होम पेज पर हूँ लेट से मुझे अबाउट पेज पर जाना है तो बहुत क्लियर आपको पता चल जा रहा है यार इतने सारे लिंक में भाई ये अबाउट का कलर क्यों डिफरेंट है कुछ तो इसमें बात है वही जो बात है बिकॉज वो एक आपका एक्टिव लिंक है मतलब अभी आप अबाउट पेज पे हो मूवीज पे जाता हूँ तो ये आ रहा है एंड अगेन अगर आप देखोगे फिर से सो so यहाँ पे भी सेम वही सीन है मूवीज़ का अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे तो गाइस ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा एंड मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तीन तीन तरीके बताऊँगा कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो ठीक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करता है गाइस एरर पेज हम थोड़ा बाद में देखेंगे या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा गाइस आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़्यादा नहीं आपका सिर्फ मुझे तीस सेकंड दीजिए कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगा बुरा लगा या अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो या आपकी कुछ रिक्वेस्ट हो इतना तो आप कर सकते हो है ना इतना आप कर सकते हो गाइस प्लीज़ लाइक like कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलता हूँ मैं आप आपको कल के वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर